हमारे साथ मौलाना शेर मोहम्मद हैं जो कुतुब मीनार मस्जिद में मौजूद मोहम्मद मस्जिद के मौलाना हैं और पिछले कई वर्षों से वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि एसआई ने अब इनको वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए मना किया है। क्या है मामला, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। एसआई की तरफ से क्या ऑर्डर आया आपको? जी हमारे पास, हम तो जुमे की तैयारी में थे, सफ़र वगैरह बिछा के कुरान शरीफ रख के नमाज़ पढ़ रहे थे, तैयारी में थे कि हम जुमा था तो हमारे पास सुबह से तो पुलिस वाले आ रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी सेफ्टी के लिए हम आए हैं, आप आराम से रहो, नमाज़ पढ़ना यहाँ पे, तो यही सब लोग कह रहे थे। बिल्कुल जब नमाज का टाइम होगा, एक बजने वाला था तो 10 मिनट से 1 बजे, तो गार्ड आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि आपको अंदर दफ्तर में बुला रहे हैं। उनके ठीक है, हम 2-3 आदमी वहाँ से गए, जाके वहाँ से मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बिठाया वहाँ पे, तो इन्होंने हमें कह दिया कि जी नमाज नहीं होगी यहाँ पे। हमने कहा भाई क्यों नहीं होगी नमाज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मुझे 46 बरस हो गए यहाँ नमाज पर, 10 सितंबर 1976 से मैं यहाँ पर इमाम हूँ, आराम से नमाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपकी तरफ से कितने यहाँ पर CO आए, बहुत सारे आए, शुरू में जब आया था सरदार बलबीर सिंह थे, हैं उनको मैंने अपना वो भी दिखाया था जो मुझे लेटर मिला था वक्फ बोर्ड की तरफ से। उसके बाद में फिर DV शर्मा आए, गोयल साहब आए, और राजदान साहब आए, और तो बहुत सारे आए यहाँ पे, तो किसी ने भी मना नहीं किया। आप क्यों मना कर रहे हो मुझे, तो इन्होंने कहा कि जी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है हमारे पास। तो आपको कोई लिखित ऑर्डर दिखाया गया इस मामले में? कुछ नहीं, जुबानी कहा उन्होंने कि आप नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा भाई जुमा पढ़ लेने दो, हमें जुमा का दिन है। लोग नहीं जी आप जुमा नहीं पढ़ सकते। फिर मैंने कहा आप जो लोग बाहर से आते हैं जुमा पढ़ना आसपास से, उनको रोक दीजिए आप, मगर नमाज हम 3-4-5 हैं, हमको तो पढ़ने दो, अंदर रहते हैं हम तो यहीं पर। नहीं आप मस्जिद में जा ही नहीं सकते। तो वहाँ 5 टाइम की नमाज आप पढ़ते थे? 4 टाइम होती है, जुहर, असर, मगरिब, ईशा। ईशा के बाद में 9-10 बजे बंद हो जाता है गेट, बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई नहीं जा सकता। तो हम भी वहाँ पर नहीं जाते, सुबह चले जाते हैं 8-9 बजे सुबह, फिर वहीं रहते हैं हम सुबह से शाम तक, रात सुबह की नमाज उतना नहीं। अच्छा, वहाँ पर जो एक और मस्जिद मौजूद है कुतुब मीनार के अंदर, कुवतुल मस्जिद कहा जाता है उसको, कुतुबुल इस्लाम, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह की नमाज अदा की जाती है? कुवतुल इस्लाम नाम है उसका, उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था हिंदुस्तान में, वही पहली मस्जिद है, तो उसमें तो नमाज होती ही नहीं है, कभी नहीं होती वहाँ पे, क्या कारण है उसमें? वो मुकम्मल थी, वो शहाबुद्दीन गौरी ने उसको कुतुबुद्दीन को ख़त लिखा था कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं नमाज पढ़ूंगा, एक मस्जिद बनाओ, तो उन्होंने वो मस्जिद बनाई थी। जब वो मस्जिद बनाई उसमें तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वो मुकम्मल थी, मगर वो तो अब शहीद हुई पड़ी है। उसके बस सिर्फ जो दरवाजे हैं, बाकी छत वगैरह कुछ नहीं है, शिकस्ता हालत में है, उसमें नमाज होती नहीं है। उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं? जी जी, उसमें तो नहीं है, उसके सामने एक बरामदा है छोटा सा, ऐसे 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 ऐसे, उसमें तस्वीरें मूर्तियाँ वगैरह हैं। और जिन जगह मूर्ति होती है उस जगह इस्लाम की नमाज पढ़ी जाती है? नहीं, इसमें तो होती ही नहीं नमाज, ना उस जगह होती है ना उस जगह होती है, नमाज होती ही नहीं बिल्कुल भी। सब लोग घूमने आते हैं, देख के और चले जाते हैं। ये मस्जिद तो उसे 400 साल बाद की है, तो ये मेरा अंदाज़ा ये है कि चूंकि वो टूट फूट गई थी, शहीद हो गई थी मस्जिद तमाम की तमाम, अब किसने तोड़ा उसको किसने, ये हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जो कारिंदे इसकी देखभाल के लिए लोग होते थे, ये उनके लिए बनाई गई थी, अंदाजन कह रहा हूँ मैं, ये इसकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई नहीं है। तो ये तो बाद की मस्जिद है, बहुत काफ़ी बाद की। तो मतलब आप कह रहे हैं जो अंदर जो मस्जिद है कुवतुल इस्लाम, उसमें हिंदू देवताओं की मूर्ति मौजूद है अभी भी? उसमें नहीं है, उसके आगे जो बरामदा है छोटा सा, उसमें है, मस्जिद परिसर में, मस्जिद परिसर में लगा लो है वहाँ पे, तो वो थोड़ी ऐसी। और ये जो आपकी मौलाना मस्जिद है इसमें नहीं है? मुगल मस्जिद जो आपकी, इसमें नहीं है बिल्कुल, ये तो बहुत बाद की बनाई हुई है, ये मुगलों के ज़माने की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, 300-400 साल का पीरियड है बीच में, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो साफ सुथरी छोटी सी मस्जिद है। इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से इमाम नमाज पढ़ाते हैं, पहले से पढ़ाते थे 1947 से पहले भी, 1947 में भी, और अब भी यहाँ नमाज हो रही थी लगातार, किसी ने माने नहीं किया कोई। कितने लोग आते हैं यहाँ पे नमाज में आए दिन, आम दिनों में? ये मुस्लिम आबादी तो है नहीं, घूमने फिरने वाले बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर, तो नमाज का टाइम पे 10-20 कभी 5 कभी 20 कभी 10 ऐसे कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, मगर जुमे के दिन से 150 के करीब नमाजी
आ जाते हैं। अच्छा मौलाना जी, एक विवाद और चल रहा है कि बताया जा रहा है जो इतिहास में अब जो कोर्ट के अंदर दलील दी जा रही है कि जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था और इसके जो अवशेष हैं वो दिखते भी हैं इसके अंदर, क्या कहना है आपका इस मामले में? देखिए, मजहब में इस्लाम में ये है कि मस्जिद जो बनाई जाएगी सदका ज़कात इसके पैसे से नहीं बनाई जाएगी। जो लोग ब्याज लेते हैं सूद लेते हैं उसका पैसा नहीं लगेगा इसमें, उसमें पैसा दे के खरीदी जाती है ज़मीन के लिए, ज़मीन मस्जिद के लिए, तब वहाँ मस्जिद बनती है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आया, जब एक जगह मंदिर है तो मंदिर में मस्जिद बन ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती मस्जिद में मंदिर। हमारी समझ में ये बात ही नहीं आ रही कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। वहाँ अगर वहाँ मंदिर होते तो वहाँ मस्जिद बनती ही नहीं, इसका मतलब ये कि वहाँ कुछ भी नहीं था।